हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुपिटारा। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो स्टूडेंट, हमने आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर बच्चे ना तो कोई नर्वस सिस्टम होता है, ना कोई नर्वस टिश्यू होता है, तो वो कैसे अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं, तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ना तो कोई नर्वस टिश्यू और ना ही उनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम होता है, तो वो पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो स्टिमुलस का मीनिंग जो है मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते। So, nervous tissue is absent in plants. Due to this, plants take long time to respond to the stimulus. The movement in plant are of two types. So, plants के अंदर कोई nervous tissue नहीं होता, जिसकी वजह से उनको response करने में थोड़ा सा time लगता है, और plants के अंदर two types of movement होती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर control and coordination बना रहता है। तो ये मूवमेंट है ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सी होती है? मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ। ठीक है, तो जिन मूवमेंट की वजह से क्या होता है, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और दूसरे टाइप होती है इसकी नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, नास्टिक मूवमेंट कौन सी होती है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर ग्रोथ ना हो, ठीक है, लेकिन उनके अंदर मूवमेंट तो हो, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कोई ग्रोथ ना हो। ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो फर्दर फोर टाइप्स की होती है। फर्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म, सेकेंड इज जियोट्रॉपिज्म, थर्ड इज कीमोट्रॉपिज्म एंड फिफ्थ वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। सो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट जो है, इनकी मैंने डेफिनेशन जो है लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट जो है, जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है मूवमेंट, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट जो है उनकी डिवीजन। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन है इसकी फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म जो है बच्चे, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। तो लाइट की तरफ जो मूवमेंट होती है प्लांट्स की, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। तो मैं आपको अब फोटो दिखाती हूँ, उसके अंदर आपको फोटोट्रॉपिज्म जो है इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर हम किसी बंद कमरे के अंदर, ठीक है, क्लोज रूम के अंदर एक पॉट को रख देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने छोटा सा प्लांट जो है वो ग्रो करना रखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, उसको बिल्कुल खिड़की के पास रखना है, जहां से रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है। तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद क्या होता है, प्लांट्स जो है उस लाइट की तरफ जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म। तो जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, जियो का मतलब होता है ग्रेविटी। और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। तो जब भी कोई प्लांट जो है ग्रेविटी की तरफ जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, या प्लांट का कोई पार्ट जो है ग्रेविटी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, और उसमें फिर ग्रोथ जो है ग्रेविटी की तरफ ही होती है, तो उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स ग्रेविटेशन पुल और ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। तो आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि जो धनिया है, ठीक है, उसकी जो रूट्स है वो सॉइल की तरफ ग्रो कर रही है, ठीक है, तो नीचे को ग्रो कर रही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म जो है स्टूडेंट, आपको रियल लाइफ के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको रेगिस्तान के अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो आप उनको देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए,
तो रेगिस्तान के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रीज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और वो जियोट्रॉपिज्म जो है उसको अच्छे से डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो ग्रेविटी की तरफ ही ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत पिक्चर है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि प्लांट जो है उसकी कभी कभी ट्विग्स जो है वो टूट जाती हैं, तो टूटने की वजह से क्या होता है, वो जिस साइड को टूटी हैं उसी साइड को वो ग्रेविटी की तरफ जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो ये बच्चे हमें जियोट्रॉपिज्म जो है रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है हाइड्रोट्रॉपिज्म, नेक्स्ट टाइप जो है ट्रॉपिक मूवमेंट की वो है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रो वर्ड का मीनिंग होता है बच्चे वाटर, हाइड्रो वर्ड रिलेटेड टू वाटर, और ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है मूवमेंट, तो मूवमेंट टूवर्ड्स वाटर, ठीक है। तो वाटर क्या है, एक स्टिमुलस है, ठीक है, प्लांट के लिए, तो जिसकी वजह से पानी की जो रूट्स होती हैं वो किस साइड को ग्रो करती हैं, जहां पानी होता है, जिस साइड को पानी होता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लेना स्टूडेंट, वो प्रिंटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो ये आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो, रूट ग्रो टूवर्ड्स वाटर, ठीक है। तो इसलिए हम हाइड्रोट्रॉपिज्म को प्लांट्स की रूट्स के तरफ देख सकते हैं जब पानी जो है हम उनको डालते हैं। तो ये देखिए बच्चे, एक और इंटरेस्टिंग पिक्चर जो है हाइड्रोट्रॉपिज्म की, जिसको हम रियल लाइफ के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, आपने देखा होगा जो मैंग्रोव्स होते हैं, ठीक है, मैंग्रोव्स होते हैं जो ट्रीज जो है पानी में ही ग्रो करते हैं, ठीक है, और जहां पे फ्लड होते हैं उस एरिया के अंदर मैंग्रोव्स लगाए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ये वाटर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो ये जो मैंग्रोव्स हैं आपको हाइड्रोट्रॉपिज्म जो है वो इजीली दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है थिग्मोट्रॉपिज्म,